वेलकम बैक दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो CS सेंटर खोलना चाहते हैं पर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसको लेकर कि सेंटर खोलने में फ़ायदा है या नहीं है, कितनी कमाई हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी नौकरी कर रहे होंगे और उनके दिमाग में बात होगी यार, नौकरी छोड़ के मैं अपनी दुकान खोलूँगा, अपना CSE सेंटर खोलूँगा। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि नौकरी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम अपना सेंटर खोल लेता हूँ तो कमाई हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों ये सारे डाउट आपके कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप लोग डीमोटिवेट हों या मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल रियलिटी दिखाऊंगा और मैं आपको अपनी खुद की जो मैं यहाँ पर पैसे कमाता हूँ, क्योंकि मैंने दुकान किराए पर ले रखी है, आपको दिख रहा होगा पूरी दुकान है मेरी, कितनी मैं कमाई करता हूँ, कितना काम यहाँ पर आता है। तो मैं कल का एग्जांपल दूंगा, कल का जो मेरे डायरी में लिखा हुआ है कल कितनी कमाई करी, कौन कौन से कमाए थे, वो मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको रियलिटी पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आज की डेट में CS सेंटर पर कमाई है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सीधा सीधा दोस्तों आंसर यही है कि कमाई आज की डेट में CSE सेंटर पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्यों नहीं है बता देता हूँ अभी मैं। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पर रहते होंगे, आप बाहर निकल के देखो, रोड पे देखो, जहाँ पर आपका सेंटर खुले पड़े हैं वहाँ पर आप देखोगे कि जहाँ पर पहले एक सेंटर था, एक साल पहले एक सेंटर था, आज की डेट में वहाँ पर कम से कम 4 या 5 सेंटर होंगे। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों के पास CSE ID नहीं है, फिर भी वो फोटोकॉपी या फिर प्रिंट आउट निकालने के लिए या फॉर्म वगैरह भरने के लिए अपना कंप्यूटर सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, बेशक उनके पास CSE ID नहीं है पर ये काम वो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर की दुकान है वो बहुत सारी हो गई हैं और बहुत सारी दुकान होने की वजह से जो ग्राहक है वो सब में बढ़ जा रहे हैं और कमाई हो गई है बहुत कम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और समझने की बात यह है कि आप ये ना सोचें कि यार मेरे पास CSE ID है तो लोग मेरे पास ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है आजकल जितने भी काम होते हैं, सरकार जो भी फॉर्म निकालती है या जो भी योजना निकालती है, मैक्सिमम सरकार ये देख के निकालती है जो कस्टमर है, जो लोग हैं, वो अपने फ़ोन में ही उस फॉर्म को भर सकें, उस योजना के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, और आपको पता है आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर कोई बंदा अगर उसको फ़ोन चलाना आता है तो वो अपना फॉर्म खुद ही अपने आप ही OTP के माध्यम से अपना फॉर्म भर लेता है। ठीक है, दुकान पे हालांकि वो आता है क्योंकि उसे आना पड़ता है प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ़ोन चलाना नहीं जानते, जिनके पास फ़ोन नहीं है, वो लोग आते हैं फॉर्म भरवाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बहुत कम काम हो गया है, बहुत सारे लोग अपने आप काम कर ले रहे हैं और फोटोकॉपी प्रिंट आउट तो बहुत सारी दुकान खुली पड़ी हैं, चाहे उनके पास CSE ID हो ना हो, सब फोटोकॉपी प्रिंट आउट कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर जो कमाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, अब आप लगा लो 2 रुपये की फोटोकॉपी हो रही है, 3 रुपये की फोटोकॉपी हो रही है, उसमें आप कितने पैसे कमा लोगे, उसमें भी बहुत सारी दुकान खुली पड़ी है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा जो कमाई है बिल्कुल गिर गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि अभी भी कमाई है, ऐसा नहीं है कि कमाई बिल्कुल नहीं है। एक मैं देखो, मैं बता रहा हूँ आपको एक साइड इसकी, जो इसकी अदर साइड है, मतलब CSE ID की जो अदर साइड है, जहाँ पर आपके पास सारी ID है, मतलब कि आधार कार्ड बनाने वाली ID आपके पास है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने वाली ID आपके पास है, इसके अलावा जो फैमिली ID होगी, परिवार पहचान पत्र हो गया, ये वाली ID आपके पास है, सरल ID आपके पास है, अगर मेन ID आपके पास हैं, एक सेकंड, देखिए अगर आपके पास सारी मेन ID हैं, जो मेन काम होते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने वाला, आधार कार्ड बनाने वाला, सरल ID, फैमिली ID, अगर आपके पास ये सारी ID हैं तो दोस्तों आपकी कमाई है, क्योंकि ये ID किसी के पास हैं, गवर्नमेंट ने किसी को दे रखी हैं, तो वो लोग कमाई कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कमाई है, पर जो जिनके पास सिर्फ CSE ID है वो लोग, और वो लोग जो सिर्फ अपनी कंप्यूटर सिस्टम लेके बैठे पड़े हैं जिनके पास कोई ID नहीं है, दोनों समान है, क्योंकि दोनों ही फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, जो कोई भी भर सकता है, बाकी जो मेन काम है वही लोग कर सकते हैं जिनके पास वो ID है। ठीक है, और वो ID आपको पता है आसानी से नहीं मिलती, आप हालांकि पैसे खर्च करोगे तो भी आपको वो ID नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर जो कमाई है वो बहुत कम हो गई है। अब मैं दोस्तों आपको ये दिखाया था पहले कि मैंने कितनी कमाई करी, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आज की डेट में सेंटर खोलने में फ़ायदा है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कमाई दिखा दूँ। देखिए मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं कमाई है ये रही, देखिए
कल 1 तारीख थी, तो 1 तारीख की कमाई है। आप देख लीजिए, यहाँ पर लैमिनेशन भी हुआ है, फोटोकॉपी भी हुई है, मनी ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों, सारा अगर आप जोड़ोगे पैसा ये, तो टोटल 248 रुपये हो रहा है, मतलब 250 रुपये करीब मान लो, 250 रुपये यहाँ पर कल की मेरी अर्निंग है, जिसमें मैक्सिमम काम मेरा पैसे ट्रांसफ़र करने वाला है और फोटोकॉपी है, और एक है मेरा मोबाइल नंबर अपडेट का, मतलब 80 रुपये, वो मैंने किसी के थ्रू करवाया था, उससे 80 रुपये लिए थे मैंने, ठीक है दोस्तों। तो ये काम मैंने ये काम करवाया था मैं कल की डेट में, ठीक है। तो ये काम दोस्तों मेनली होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फोटोकॉपी और मनी ट्रांसफ़र वाला काम है वो कोई भी कर दे रहा है भाई, पेटीएम से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, फोटोकॉपी आप कर ही सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो ये सारे काम कोई भी कर सकता है, तो आप लगा लो कि कोई भी जो कर सकता है वो, तो उसकी वैल्यू होगी क्या, तो उसी हिसाब से कमाई होगी आपकी, 250 रुपये यहाँ पर कमाई हो रही है, ठीक है दोस्तों। हालांकि मेरे जो पिछले महीने की कमाई थी, टोटल कमाई मेरी 9300 रुपये थी, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि मैंने 1 महीने में कितने पैसे कमाए, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट दिखाया था कि कौन कौन से काम मैंने किए थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कमाई दिखा दी आपको, ये बता दिया कि कमाई कम है, क्यों है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन बात की, कि आज की डेट में सेंटर खोलने में फ़ायदा है कि नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले उन लोगों से बात कर लूँ जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आपकी नौकरी, आप नौकरी चल रही है, आपकी नौकरी कर रहे हो, और आपकी नौकरी अगर 15,000 रुपये से ऊपर है, 15,000 रुपये तक आप सैलरी है आपकी, 15 से ऊपर आपको ओवरटाइम मिल जाता है, तो उस केस में दोस्तों आपके लिए नौकरी बेटर है। नौकरी में लगे रहो, अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ना मत, नौकरी में लगे रहो, छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बहकाता भी है कि यार इस काम में बहुत कमाई, तो ऐसे आप बिल्कुल भटकना मत, बिल्कुल भी आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप हेल्पर हो, आप 9,000 रुपये 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो उस केस में दोस्तों आप ये काम खोल सकते हो, तो वहाँ पर आपको बराबर मिलेगा, मतलब हो सकता है यहाँ पर कमाई थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो उनके लिए ठीक है, जो 15,000 से कम है उनके लिए सही है, बाकी जो 15,000 से ऊपर हैं लोग उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ क्या रहेगी, आप नौकरी के साथ साथ इस काम को कर लो। अगर आपका घर है, घर में दुकान है, या फिर आप दुकान किराए पर लेना चाहते हो, तो ऐसी जगह किराए पर लो जहाँ पर किराया कम है, लोग भी ज़्यादा आते हैं, मतलब लोग नॉर्मली आ जाते हैं, काम आपको निकल जाएगा, और आप नौकरी करने के साथ साथ में आप ये काम खोलो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों तीसरे टाइप के लोग जो ये सोच रहे हैं कि यार नौकरी करूँ या दुकान खोलूँ, तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप झेल सकते हो, आप 3-4 महीने खाली बैठ सकते हो, तो आप दुकान खोल लो। अगर आप नहीं झेल सकते, आपको इस महीने पैसे चाहिए, आपका खर्चा नहीं चलेगा, तो उस केस में आपके लिए नौकरी बेस्ट रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो दोस्तों मैं ख़त्म करता हूँ, थोड़ा जल्दी बारे में बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ बहुत शोर शराबा होता है, अभी थोड़ी दोपहर थी इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी बारे में बताया है। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।